हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का ये वीडियो देखकर हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, दांतों तले दांत खिसक जाए। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 200 साल पहले जब किसी ने बोला होगा कि हवा में इंसान उड़ेंगे, तो वहां पर लोग हंसे होंगे, मजाक बनाए होंगे। बिल्कुल आज ऐसा ही यहाँ पर भी इस वीडियो को देखने के बाद में आपके साथ हो सकता है। हो सकता है आज मैं आपको बोलूँ कि हवा में इंसान उड़ सकते हैं, तो आप मेरा मजाक बनाए, क्योंकि यार ये आज नॉर्मल बात है। लेकिन यही बात मैं 200 साल पहले भी बना बोलता कि हवा में इंसान उड़ेंगे, तो जमकर लोग हंसते, जमकर मतलब विश्वास नहीं करते यार, उड़ सकते हैं, मेरे को पागल बता रहे। लेकिन आज मैं आपको बोलूं कि हवा में इंसान उड़ रहे हैं, उठते हैं, तो आप बोलोगे क्या बकवास कर रहा है यार, हमें पता है, बस कुछ नया हो तो बता। तो बिल्कुल हम नया हुआ है तो हम बताने आ रहे हैं। तो अब आपका काम है कि क्या उस पर रिएक्शन होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ उसके बाद में आपके दांतों तले जमीन खिसक के पैरों तले चली जाएगी। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है रिलेशन निभाने के लिए। यहाँ तक कि जैसे मैं आपको बताऊँ आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, यहाँ तक कि ऑफिशियली कोई इंसान ही होगी, कोई रोबोट तो नहीं होगी। लेकिन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड एक रोबोट हो, हो सकता है कि एक कोई लड़की है उसका बॉयफ्रेंड एक रोबोट हो। बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इंसानों की तरह ही रोबोट रहेंगे, यहाँ तक कि इंसानों की तरह वो फीलिंग्स भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि उनके अंदर फीलिंग भी होगी, वो खुद से डिसीजन भी ले पाएंगे। अच्छा वेल, कैसे कैसे नहीं, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वीडियो को समझने की कोशिश करना। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कोई भी मशीन होती है बिना इनपुट के काम नहीं करती है आज के टाइम में, लेकिन 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 इंसान है ऐसी मशीन जो कि इनपुट के बिना भी काम कर सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। लेकिन जो हम रोबोट में यूज करते हैं इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा वो नहीं है सशक्त कि वो खुद से फैसले ले पाए, खुद को क्या करना है क्या नहीं करना, वो फैसले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकती। जबकि एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है वो हमारे अंदर होती है, इंसानों में होती है, जानवरों में होती है, वो इजीली कोई फैसला क्या लेना है क्या नहीं लेना है ले सकती है, कितना टाइम लगाना है कितना टाइम नहीं लगाना वो उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंटेलिजेंस से याद आया कि आप समझ नहीं पाए होंगे कि क्या होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके फोन में गूगल असिस्टेंट होगा, जब आप उससे सवाल जवाब करते हैं तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका सवालों के जवाब दे रही है, वो कर रही है। इसी तरीके से आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि बड़े बड़े रोबोट होते हैं, कुछ आर्म होती है जो कि काम करती रहती है अपने आप, मतलब जो इंसानों का काम वो मशीनें करती रहती है, और एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसी पर जाकर वो स्क्रिप्ट टाइप करती है, और एक दूसरे मतलब ये काम पार्ट्स का काम करती रहती है। उसमें एक ऐसा इंटेलिजेंस फिट कर दिया जाता है कि बस वो बार बार में रिपीट होता रहता है, सेम रिपीट होता रहता है, और उसी के जरिए वो काम हो जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, मतलब एक बार उसे प्रोग्राम कर दो, उसके बाद में वो प्रोग्राम अपने आप चलता रहेगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। लेकिन जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है वो आप में है, मेरे में है, लेकिन नेचुरल इंटेलिजेंस में काफी सारी बहुत सारी अलग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जैसे कि नेचुरल इंटेलिजेंस में आपको फीलिंग्स देखने को मिलती है, दया भावना ये सब आपको देखने को मिलता है। जब आप किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है, जब आपके साथ गलत होता है तो आप दुखी हो जाते हैं, ये सब भावनाएं होती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं मिलती आपको देखने को। साइंटिस्ट काफी बार कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं कि किसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीलिंग्स डाली जाए, यहाँ तक कि उसमें जो भी भावनाएं होती है वो सारी डाली जाए, ताकि एक इंसान की तरह सेम मशीन बनाई जा सके, कृत्रिम मशीन बनाई जा सके। अगर ये पॉसिबल होता है तो इंसान रोबोट को कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं होगी। आप जैसा कि जानते हैं आज की दुनिया में जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको कमांड मिलने के बाद में काम करती है, इसी तरीके से रोबोट को भी कमांड करना पड़ता है, उसके बाद में ही वो रोबोट वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ तक कि सोफिया जो कि सेम इंसानों की कॉपी करता है, सबसे ज्यादा कॉपी किया है सोफिया रोबोट ने, वो रोबोट को भी कमांड देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी रोबोट हैं, अगर ये AI बन जाती है इस तरीके से, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करुणा भावना ये सब डाल दी जाएगी, तो सेम इंसानों की तरह होंगे, लेकिन बस उसकी बॉडी एक मशीन की तरह होगी। उसके बाद में वो रोबोट्स उनको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो
इंसानों की तरह तो सोच ही पाएंगे एआई के कारण, तो उस टाइम में उस फ्यूचर में ये आसानी से इंसानों के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे, और ये इतने हो सकते हैं कि ये खुद से डिसीजन लेने की वजह से अगर इनमें गुस्सा आया और ये ऑलरेडी इंसानों से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, जिसके कारण इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक तो ये समझिए कि जब एआई इसमें इस तरीके से डेवलप हो जाएगी, साइंटिस्ट ऐसा करने में सक्सेस हो जाएंगे और ऑफिशियली होंगे, क्योंकि साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये टाइम कितना लगता है कि ये पॉसिबल होने में। तो वो जब टाइम आएगा, वो फ्यूचर में आएगा, जल्दी ही आ जाएगा, मुझे जल्द दूर नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो पाया तो रोबोट खुद से प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे, खुद ही फैसला ले पाएंगे किस पर दया करनी है किस पर नहीं करनी है, वो सब उनके एआई में हो बेस्ट होगा। तो वो अगर ऐसा हो जाएगा तो इंसानों को इंसानों की तरह जैसे सैड फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स ये सारी रहेंगी उस रोबोट में भी। तो ऐसे में काफी सारे रिश्ते नए बनेंगे, लेकिन कुछ खतरा भी होगा, वो उसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपको कैसा लगा? क्या आप चाहते हो कि एक ऐसी एआई बने जिसमें फीलिंग्स भी रहे, जिसमें भावना भी रहे, जिसमें सेल्फ डिसीजन की क्षमता भी रहे, जो रोबोट में हम डालेंगे उसके बाद में वो एक चलता फिरता इंसान ही बन जाएगा वो मशीन? तो क्या आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके बाय।